जॉब या बिजनेस करके हम लोग पैसे कमाते हैं और उन पैसों से ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, घर के लिए सामान, कार या बाइक खरीदते रहते हैं, लेकिन हम खुश नहीं रहते हैं। पता है हम खुश कब रहते हैं? अगर कोई हमें आके कॉम्प्लीमेंट दे, वो कहे कि वाह आपने क्या कर दिया। अगर वही इंसान कहेगा कि आपने ये क्या कर दिया, तो हमें लगता है कि इस दुनिया का सारा दुख जो है हमें मिल गया। तो यहाँ पर खुशी जो है ना, हम दूसरों के हाथ में दे रहे हैं, दूसरे के दिए हुए कॉम्प्लीमेंट में हम ढूंढ रहे हैं। हमारी खुद की खुशी हमारे पास है। हम जो चीज हम खरीदते हैं, जो काम हम करते हैं ना, उसे एंजॉय करने में हमारी खुशी रहती है। वो खुशी को ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो ऐसे एक इंसान के बारे में बात करते हैं। एक छोटा सा लड़का है, वो एक स्कूल में पढ़ता है, उसका नाम है रमेश। और उसके क्लास में एक सुरेश नाम का एक लड़का है। रमेश के पापा जो है हमेशा उसे सुरेश से कंपेयर करते थे, क्योंकि सुरेश को क्लास फर्स्ट आता था और रमेश थोड़ा कम मार्क्स आते थे उससे। तो इसलिए रमेश के पापा उसे डांटते थे, कहते थे कि 3 दफा खाना खाता है, तू क्यों क्लास फर्स्ट नहीं आता, ये वो करके बहुत डांटते थे। जिसकी वजह से रमेश को सुरेश के ऊपर गुस्सा आ गया था। उसने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा इसका। तो बस अभी एक हफ्ता बचा था एग्जाम्स के लिए, तो रमेश ने सोचा कि यही सही मौका है। सुरेश की किताब जो है उसने चुरा लिया था और उसे फेंक दिया था कहीं, और सुरेश को पता चला था कि उसके किताब कहीं घूम गए। तो उसके लिए ढूंढा, परेशान हो गया था, कहीं नहीं मिला था। एक हफ्ता यूं ही बीत गया, एग्जाम शुरू हो गए, दोनों एग्जाम्स लिख दिए थे। हर बार की तरह सुरेश क्लास फर्स्ट आ गया, रमेश इस बार फेल हो गया था। ये देखते ही चौंक गया था रमेश, ऐसे कैसे हो गया। तो रमेश सुरेश के पास पहुंचा, कहा कि यार तुम्हारे तो किताब गए थे ना, तुम कैसे पास हो गए अभी। तो सुरेश ने कहा, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, उसने कहा यार बुक्स तो एक हफ्ते पहले गए हैं, बट मैं पढ़ाई एक साल से कर रहा हूँ। जिस दिन हमारी पहली क्लास शुरू हुई थी, उसी दिन से, जिस दिन की क्लास में उसी दिन रिवाइज करता था, पढ़ाई करता था, इसलिए मुझे उतना मुश्किल नहीं हुआ था एग्जाम्स पास होने के लिए। तो रमेश को पता चल गया था उसकी गलती क्या था। उसने सोचा कि शायद मैं भी पहले दिन से पढ़ाई करता और हाँ ये आखिरी मोमेंट में उसके झंझट में ना पड़ता तो शायद मैं एटलीस्ट पास मार्क्स से पास तो हो जाता। ये छोटी सी कहानी कई सारी बातें बताती है। आपकी जिंदगी में आपके भाई होंगे, बहन होंगे, बेटी बेटियां, दोस्त कोई तो होंगे, उन्हें दूसरे से कंपेयर कभी भी मत कीजिए, क्योंकि हर एक के पास एक यूनिक टैलेंट रहता है। हो सके तो उसे खोजिए और उसे तराशने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं आपकी जिंदगी को, तो मेरे दोस्त आपकी जिंदगी को दूसरे से कंपेयर करते हुए जिएंगे तो आपकी जिंदगी कब जिएंगे आप? एक बार आपने कभी सोचा इसके बारे में? और दूसरी बात, किसी का बुरा करके उसमें आपकी खुशी ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है ना, तो आप संभालने का तो क्या, दिल से रोने के लायक भी नहीं छोड़ेगा वो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर कोई भी इंसान बुरे रास्ते पर चल रहा है ना, तो उसे अच्छे रास्ते पर ला सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी इंसान खुद से अच्छे रास्ते पर जाने की कोशिश करता है, उसकी जिंदगी को अच्छी बनाने की कोशिश करता है, तो उसे बुरा कोई भी नहीं बना सकता है। तो दोस्त अभी आपके हाथ में है, आप खुद बनना चाहते हैं या फिर। तो दोस्तों यह है इस हफ्ते की #MondayMotivation। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो एक लाइक, हो सके तो एक शेयर कीजिए। और मिलेंगे अगले सोमवार सुबह 10 बजे मेरे YouTube चैनल पर।